जिस तरीके से लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एम्पेयर्स लॉ को एक रॉड के अंदर डिफाइन किया था, इसी तरीके से आज हम क्या करेंगे, हम एम्पेयर्स लॉ की बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक रॉड की बजाय सोलेनोइड कॉइल ले लेंगे। और सोलेनोइड कॉइल के अंदर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो हम देखेंगे कि सोलेनोइड कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये हमारी बेसिकली एक सोलेनोइड कॉइल है। आपको मालूम है कि सोलेनोइड कॉइल एक ऐसी कॉइल होती है जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर कंसिस्ट होती है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सर्कुलर डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की सूरत में ये किसी भी कंडक्टर के ऊपर लिपटी हुई होती है, इसे हम लोग सोलेनोइड कॉइल कह देते हैं। अब क्या है कि ये हमारे पास एक सोलेनोइड कॉइल है, इसे हम लोग जो है दो वायर्स के साथ बैटरी के साथ कनेक्टेड कर देते हैं। एक वायर को हम लोगों ने इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड करते हुए बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरा जो इस सोलेनोइड का टर्मिनल है उसे वायर के एक टर्मिनल से कनेक्टेड करते हुए बैटरी के साथ कनेक्ट करके इस तरीके से सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब ये वाला जो टर्मिनल है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे ही सर्किट कनेक्टेड हो गया, सर्किट जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारे पास करंट जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है, और इसकी डायरेक्शन जो है इस तरह से रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस जब तक कि करंट फ्लो करता चला जाता है। अब चूँकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और हमें मालूम है कि जो भी कंडक्टर हो, जैसे ही उस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने की वजह से उसके साइड में जो है मैग्नेटिक फील्ड अपेयर होना शुरू हो जाती है। जैसे कि ये सोलेनोइड कॉइल जो कि कॉपर की एक रेजिस्टिव वायर होती है, ये भी एक कंडक्टर ही होती है। जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू करता है तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ जाती हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है इस सोलेनोइड का नॉर्थ पोल है और यहाँ पर जो है इस सोलेनोइड का साउथ पोल है। होता क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अपेयर हो जाती हैं इस डायरेक्शन में। हमें मालूम है कि वो हमेशा जो है जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, और नॉर्थ से निकलती हुई ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करती हैं, सर्कुलर डायरेक्शन में इस तरीके से इस सोलेनोइड के अराउंड आती हैं, और यूँ आती आती जो है साउथ पोल से दोबारा इस सोलेनोइड के अंदर एंट्रेंस कर लेती हैं इस तरीके से। यानी कि नॉर्थ पोल से इससे बाहर निकलती हैं और सर्कुलर डायरेक्शन में होते हुए साउथ पोल से दोबारा जो है सोलेनोइड के अंदर एंटर हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो ये है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और जो सोलेनोइड कॉइल है उसके अंदर इस तरीके से अपेयर होती हैं, जैसे कि हम इस चीज़ को पहले भी एक दो वीडियोस में देख चुके हैं। अब हमें ये मालूम है कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से अपेयर हुई हैं, और हमारी जो सोलेनोइड है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है। क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो कंडक्टर उस इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो अभी जो हमारे पास सोलेनोइड है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है। अब होता क्या है कि इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी अपेयर हो जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके आसपास जो है मैग्नेटिक रीजन होगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि वो मैग्नेटिक रीजन कहाँ तक होता है। उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट कंपास, मैग्नेटिक कंपास यूज़ कर लेते हैं, जो कि फौरन से इंडिकेट कर देती है कि आपकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी मटीरियल या कोई भी कंडक्टर ले आए तो वो जो है सोलेनोइड उसे अट्रैक्ट करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक जो रीजन है वो मैग्नेटिक रीजन है। लेकिन जो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो सोलेनोइड के पास पास जो है, मतलब कि आप कह सकते हैं ये वाले रीजन में या इसके आसपास जो है स्ट्रॉन्गर होती है। जैसे ये जो आपके पास सर्कुलर लाइंस हैं ये सोलेनोइड से बहुत दूर दूर चले जाएंगे, लेट्स सपोज के, और ये हम फर्ज कर लेते हैं कि एक लाइन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा दूर इस तरीके से आ गई है, ये फर्ज कर लेते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर इस रीजन में आप कोई भी चीज़ लाएंगे तो उसके ऊपर इस सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होगा, जो कि ये शो करेगा कि इस वाले रीजन में क्या होता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस सोलेनोइड की वजह से प्रोड्यूस हुई है वो बहुत ही कम है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि सोलेनोइड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी अगर रीजन रखा जाए तो हमें ये पता चल जाता है कि सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल है। और दूसरी चीज़ ये कि सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो उसके पास पास स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि दूर दूर जाते जाएँ तो वो फील्ड का इफेक्ट जो है कम होता चला जा रहा है। अब सोलेनोइड फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि इसके अंदर से जो है, ये हमारे पास एक सोलेनोइड कॉइल है ना, इसके अंदर से क्या हो रहा है कि इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही है, इस तरीके से ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होती चली जा रही हैं।
अब हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, हम लोग सोलेनाइड कॉइल को नहीं बनाते, जस्ट उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बनाते हैं और ये देखते हैं कि सोलेनाइड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई रेक्टेंगल शेप की कोई भी अगर हम सरफेस ला के रख दें तो उसके ऊपर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करती है, तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको रेफरेंस मान के हम ये बता सकते हैं कि हमारे सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ तक एक्ट करती है और उसके हिसाब से जो है हम इस सोलेनाइड के लिए एम्पेयर्स लॉ निकाल लेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने कंडक्टर के लिए निकाला था। अब ये जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इन्हें मैंने थोड़ा सा कर्व इसलिए बनाया क्योंकि दरमियान से ये कर्व होती चली जा रही हैं। दरमियान में क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा दरमियान में आते हैं तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसे हम लोग ज़रा इस तरीके से बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज होती हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इस वाले रीजन में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो बाकी रीजन की निस्बत ज़्यादा है। ये हमारा नॉर्थ पोल था और ये हमारा साउथ पोल है। यहाँ से हमारी जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाती हैं और सर्कुलर डायरेक्शन में होते हुए इस वाले पोल से जो है दोबारा एंटर कर लेती हैं इस तरीके से, और यहाँ से बाहर निकली है सर्कुलर डायरेक्शन में होते हुए इस पोल से दोबारा इसके अंदर आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या फर्ज करना है, हमने सपोज करना है कि हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप के सर्फेस जिसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ए बी सी और डी है, इसे हम क्या करते हैं हम इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान जो है जो प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया है कि इस सरफेस को उठाया यहाँ से और इस सरफेस को यहाँ पर जो है जाके प्लेस कर दिया, ये हमारे पास सरफेस है इस तरीके से, इसे हमने नाम भी दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये सरफेस को हम लोगों ने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके जो है रख दिया। अब क्या होता है कि इसकी चार साइड्स हैं, चूँकि एक रेक्टेंगल शेप की हमारे पास सरफेस है तो हम इसे नाम दे देते हैं कि ये एल वन लेंथ है, ये हमारे पास बल्कि दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, लेट्स से कि हम लोग कह देते हैं कि ये फर्स्ट कर लीजिए कि ये हमारा एल वन है, ये एल टू है, ये एल थ्री है और ये वाली साइड जो है इसे हम लोग कह देते हैं कि ये वाली साइड एल फोर है। तो ये रेक्टेंगल की जो चारों साइड्स है कम्प्लीट हो गई। अब अगर मैं हर साइड को जो है एक रॉड सपोज करूं, जैसे कि हम लोगों ने एम्पेयर्स लॉ में किया था, एम्पेयर्स लॉ में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई एक रॉड हो सिंपली, तो उस रॉड के अंदर अगर हम लोगों को एम्पेयर्स लॉ बताना पड़े, यानी कि ये हमारी एल वन रॉड है ना, अगर इस रॉड के अंदर इस साइड को हम लोग रॉड सपोज कर लेते हैं, अगर इस एल वन लेंथ के अंदर मुझे एम्पेयर्स लॉ बताना पड़ेगा तो मुझे पता है कि एम्पेयर्स लॉ का फॉर्मूला था B डॉट L, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल आया था, म्यू नॉट टाइम टोटल करंट जो कि इस साइड से फ्लो कर रहा है। जाहिर सी बात है ये सोलेनाइड जो है ये बैटरी के साथ अटैच है, बैटरी के साथ अटैच होने की वजह से ही तो इसके साइड्स पे जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, तो इस साइड पे भी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। अब क्या होता है कि हमें मालूम है कि ये B डॉट L है, हम सिर्फ B डॉट L की बात करें अगर, तो B डॉट L हमें मालूम है कि किसके इक्वल आएगा, BL cos theta के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग cos theta की बात करें तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो, और जो इस कंडक्टर की लेंथ है, जो इस हमने जो सरफेस प्लेस की है उसकी जो लेंथ है उसके साइड की L1, वो आपस में पैरेलल है, जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो cos 0 जो है हमें मालूम है कि मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास BL है वो इसी तरीके से आ जाएगा कि ये BL मैक्सिमम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं ना, चूँकि हमें मालूम है कि 0 पे जो है मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। अब अगर मैं इसी तरीके से इस साइड की बात करूँ जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, अगर मैं यहाँ पे L1 की बात की तो वो मेरे पास B into L के इक्वल आ गया। इसी तरीके से मैं अगर B डॉट L2 की बात करूँ, यानी कि इस वाली साइड की बात करूँ, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास BL cos theta के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे चूँकि ये L2 और हमारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल 90 आएगा। 90 एंगल आने की वजह से इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, चूँकि cos 90 ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं इस फोर साइड की बात करूँ तो ये साइड भी जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास BL4 जो है वो भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, चूँकि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और लेंथ जो है, लेंथ की जो साइड है ये वाली L4, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है, यहाँ भी एंगल 90 है, यहाँ पर भी एंगल 90। तो क्या होता है कि इन दोनों जगहों पर जो है कोस प्रोडक्ट की, जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है उसकी वजह से जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट वो ज़ीरो हो जाता है। अब सिर्फ हमारे पास दो साइड्स बचती हैं, एक
एल वन और एक एल थ्री। अब जो हमारे पास बी एल थ्री है इसकी वजह से भी यहाँ पर हमारे पास बी एल आ जाएगा, मतलब कि इसकी वजह से भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों साइड्स पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट वो ज़ीरो हो चुका है। इस साइड पे हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एंगल ज़ीरो था, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट की वैल्यू मिल गई है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। जबकि ये जो साइड एल वन है ना, ये इस फील्ड के रीजन से बाहर है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाली जो साइड है इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो ज़ीरो है, क्योंकि ये इस रीजन से बहुत ज़्यादा दूर है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर कोई एक चीज़ या सरफेस जो है आप कोई भी चीज़ रख रहे हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं जो कि सोलेनाइड की वजह से प्रोड्यूस हुई है, तो अगर वो ऐसी फील्ड के अंदर है जो सोलेनाइड से प्रोड्यूस तो हुई है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पर सोलेनाइड की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट वीक होता है। इसी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है। इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर बहुत ही वीक है। वीक होने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि ये जो है ज़ीरो के इक्वल है। तो हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल हमारे पास सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड आती है जो कि साइड हमारे पास यहाँ पर जो साइड थी L3 इसके ऊपर आती है। ये हमारे पास साइड L3 है जो कि उसके बिल्कुल मिड के पास है, जहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इक्वल आ जाती है। तो हमारे पास सिर्फ BL3 आ जाती है। तो अगर हम इसे टोटल करके भी देखें, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ जाए बहुत ज़्यादा लेंथ की वजह से, जैसे कि कंडक्टर की भी तो एक लेंथ ही थी ना, तो हम इनको जो है सम करके भी देख सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि बी डॉट डेल्टा एन वन है, फिर हमारे पास बी डॉट डेल्टा एल टू है, फिर हमारे पास बी डॉट डेल्टा एल थ्री है, फिर हमारे पास बी डॉट डेल्टा एल फोर है, क्योंकि हम लोगों ने फोर साइड्स इस्तेमाल किया। और इनका जो प्रोडक्ट, इन जो सम है, इनका सम जो है वो बी डॉट डेल्टा एल के इक्वल आना चाहिए, जो कि किसकी इक्वल है, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट जो कि उस सोलेनाइड के अंदर से फ्लो कर रहा है उसके इक्वल आना चाहिए। अब हमारे पास क्या होता है, हमें मालूम है कि साइड L1 जो है वो रीजन से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से इसे हम लोगों ने ज़ीरो सपोज कर लिया है। L2 साइड जो है परपेंडिकुलर होने की वजह से ज़ीरो हो जाती है। L3 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देती है। क्यों मैक्सिमम वैल्यू देती है, इस वजह से मैक्सिमम वैल्यू देती है क्योंकि ये हमारे पास सेंट्रल रीजन के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है, जहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाती है। और जो हमारे पास L4 साइड है ये भी जो कि परपेंडिकुलर आ जाती है, इस वजह से ये भी कॉस 90 होने की वजह से ज़ीरो हो जाती है। तो हमारे पास जो बी डॉट डेल्टा एल है जो कि हमारे पास समीशन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास सम है सबका, जो कि म्यू नॉट इनटू टोटल करंट जो कि सोलेनाइड में से फ्लो कर रहा है उसकी इक्वल है। तो ये यहाँ पर हमें सिर्फ ये मिल जाती है कि बी डॉट डेल्टा एल थ्री, जिसे हम लिख सकते हैं कि ये बी डॉट डेल्टा एल के इक्वल है, और उसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये म्यू नॉट टोटल करंट फ्लोइंग इन द सोलेनाइड के इक्वल है। अब क्या होता है कि इसे इसके इक्वल करके मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि बी डॉट डेल्टा एल जो है यहाँ पर वो म्यू नॉट टाइम टोटल करंट के इक्वल आ गया। अब यहाँ तक का जो काम है वो तो हमारा एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ये हम लोगों ने एम्पेयर्स लॉ में देखा था, एम्पेयर्स लॉ में देखा था। तो यहाँ तक का तो जो काम है वो एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन इस एम्पेयर्स लॉ से हमें ये पता चल गया कि सोलेनाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ कहाँ तक एक्ट करती है और किस रीजन में जाके जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़ीरो हो जाती है। जैसे ही कोई सरफेस अगर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बहुत ज़्यादा दूर चली जाएगी तो वहाँ पर जाके वो वीक हो जाएगी। तो वीक होने की वजह से हम लोगों ने उसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, जिसकी वजह से हमारे पास बिल्कुल जो है एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग सोलेनाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड निकल आई। लेकिन अब सोलेनाइड में क्या होता है, एम्पेयर्स लॉ में तो हम लोगों ने सिर्फ एक कंडक्टर का यूज़ किया था ना, जिसकी एक सिंपल लेंथ थी, इसमें कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आ रहे थे, कोई इसमें ज़्यादा लेंथ का जो है वो मसला नहीं था। लेकिन सोलेनाइड कॉइल क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे होते हैं, और होती तो लेंथ इतनी ही है ना कंडक्टर की, जिसके ऊपर ये रेजिस्टिव कॉपर की वायर नंबर ऑफ टर्न्स की सोलह में लिपटी हुई होती है। अब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्मॉल एन आ जाता है। स्मॉल एन का मतलब ये होता है कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, मतलब कि कितनी वो सोलेनाइड की लेंथ है और उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये हमारे पास स्मॉल एन आ जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, या बेसिकली इसे डेंसिटी भी आप कह सकते हैं उस कंडक्टर की। अब अगर मैं एन के बारे में बताना चाहूँ कि कैपिटल एन क्या है, तो मैं इसे एन इंटू डेल्टा एल के इक्वल लिख सकती हूँ, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ जाती है। बेसिकली बताने का मतलब ये है कि हमारे पास एम्पेयर्स लॉ में तो सिर्फ एक रोड थी, इस वजह से हम लोगों ने कैपिटल एन को यूज़ नहीं किया, क्योंकि कैपिटल एन जो है बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रोड, नंबर ऑफ किसी भी चीज़ के नंबर्स को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पर सोलेनाइड के केस में यहाँ पर मैं कैपिटल एन लगा सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर कैपिटल एन लगा सकती हूँ, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा एम्पेयर्स लॉ का, वो बी
ये जो डेल्टा एल जो कि इक्वल आ जाएगा कैपिटल एन इंटू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। अब ये जो कैपिटल एन है इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई है कि हम स्मॉल एन इंटू डेल्टा एल के इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि मेरे पास स्मॉल एन इंटू डेल्टा एल है तो यहाँ पे मेरे पास म्यू नॉट इंटू टोटल करंट रह जाएगा और इस साइड पे मेरे पास बी इंटू डेल्टा एल रह जाएगा। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो डेल्टा एल है इस डेल्टा एल से इस डेल्टा एल को मैं कटिंग कर सकती हूँ क्योंकि ये दोनों साइड पे ही सेम है और यहाँ पे मेरे पास बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू टोटल करंट आ जाएगा। ये बेसिकली एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमें सोलेनॉइड की वजह से किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टोटल करंट जो कि उस सोलेनॉइड के अंदर से फ्लो कर रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई बैटरी यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है उस बैटरी की पावर ज़्यादा होगी जिसकी वजह से उसका जो करंट फ्लो कर रही है वो प्रोवाइड कर रही है हमारे सोलेनॉइड को वो बहुत ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा करंट आपके पास होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके करंट के साथ। सिमिलरली जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके परमेबिलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट के साथ जिसकी एक वैल्यू फिक्स होती है जो कि 4 पाई इंटू 10^-7 के इक्वल होती है। सिमिलरली आपकी जो बी है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है स्मॉल एन से। ये स्मॉल एन बेसिकली हमारे पास कैपिटल एन डिवाइडेड बाय डेल्टा एल के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बहुत ज़्यादा सोलेनॉइड के अंदर जो है नंबर ऑफ टर्न्स आते जाएंगे और जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी जाहिर सी बात है उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर बनेंगे। तो अगर ये चीज़ आपके पास ज़्यादा होगी तो उसके अंदर से जो है मैग्नेटिक फील्ड वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि आपको मालूम है कि करंट ने फ्लो करना है तो करंट जो है वो हर नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से फ्लो करता है। लेट्स से कि ये हमारे पास जो है पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल तो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है तो करंट क्या करेगा इसके अंदर से भी फ्लो करके आएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसको बता देती हूँ करंट ने जो क्या करना है कि इस टर्न के अंदर से फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में फिर यूँ फ्लो करता हुआ इसके अंदर से भी जाएगा। मतलब कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही ज़्यादा उनमें से करंट भी फ्लो करेगा तो जितना ज़्यादा उनमें से करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से अगर हमारे पास सोलेनॉइड कॉइल हो तो उस सोलेनॉइड कॉइल की जो है हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को हासिल कर लिया है हम लोगों ने उसका फॉर्मूला निकालना सीख लिया कि वो म्यू नॉट एन इंटू टोटल करंट के इक्वल होता है। और ये हमें कहाँ से पता चला हम लोगों ने एम्पेयर्स लॉ के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए उसे यूज़ करते हुए एक सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके प्लेस कर दिया जो कि सोलेनॉइड की वजह से प्रोड्यूस हुई थी और उससे हमें ये पता चल गया कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक परमेबिलिटी कॉन्स्टेंट दूसरा जो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ और इसके साथ साथ टोटल करंट जो कि उस सोलेनॉइड के अंदर से फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए इसके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम सोलेनॉइड के अलावा और भी चीज़ों की जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं।